नौ देवियां हैं, उनमें एक देवी है शीतला देवी। शीतला देवी के हाथ में झाड़ू और गधे की सवारी दिखाने का क्या कारण है? कौन है शीतला देवी? है जगदम्बा शीतला देवी है। काली काली मोटी मोटी आंखें, जीभ लपलपाती हुई देखेंगे तब तो शीतला दिखाई पड़ेगी। है काली को गधे की सवारी तुमने देखी तो झूठ क्यों बोलते हो? अच्छा, बेहद में है बुद्धि, और सबकी बुद्धि हद में है पूछने वाले की। ब्रह्मा बाबा कोई शीतला? ब्रह्मा बाबा मेल है फीमेल है? अरे ब्रह्मा बाबा मेल है या फीमेल है? तो शीतला देवी में क्यों रख दिया उनको? ब्राह्मणों की दुनिया में वर्तमान कालिक जीवन में, ब्राह्मण जीवन में प्राप्ति के हिसाब से देखा जाए तो जो प्राप्ति के हिसाब से संतोषी है, शीतल स्वभाव वाली है, कभी भी तलखीली नहीं होती है, हमको ये प्राप्त क्यों नहीं हुआ, वो प्राप्त क्यों नहीं हुआ, तो उसको कहेंगे शीतल। ऐसा पार्ट किसका है? नहीं तो जो शीतल स्वभाव के नहीं होते हैं, संतोषी स्वभाव के नहीं होते हैं, उन्हें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये कंट्रोलिंग पावर चाहिए, वो कंट्रोलिंग पावर चाहिए। हाँ, झाड़ू दिखाया है, इसका मतलब नीचा काम भी करे तो कोई हर्जा नहीं। सफाई का काम नीचा समझा जाता है। सड़कों पे जो झाड़ू लगाने वालियां होती है उनको 20 साहूकार है, हटो हटो इधर हटो, धूल मत उड़ाओ, निकल जाने दो, तो क्या वो गाली देती है? कौन है? उसके हाथ में है झाड़ू, ऐसे बाबा ने बोला है, प्रकृति के हाथों में भी झाड़ू है। और दोनों हाथों में झाड़ू है, लेकिन शीतला के तो एक हाथ में झाड़ू दिखाते हैं। अच्छा, दीपावली होती है तो लक्ष्मी के आह्वान से पहले क्या आता है? झाड़ू आता है कि पहले लक्ष्मी आती है? पहले झाड़ू आता है। बाप दादा बच्चों में प्रवेश करते हैं। दादा कौन है? ब्रह्मा की सोल। तो ब्रह्मा की सोल कोई ऐसी संतोषी व्यक्ति में प्रवेश करती है जो कुछ भी कार्य मिलता है तो आत्मा अभिमान पूर्वक कोई भी कार्य कर लेने में दक्ष है, नहीं तो देह अहंकार आता है, हमको छोटा काम क्यों दिया गया,
हमको बड़ा काम क्यों नहीं दिया गया। जैसे घर में माँ होती है तो बच्चों की गंध उठाने से लेकर के सारा काम कर लेती है, ऐसी सहनशील भारत माता हो सकती है या जगदम्बा हो सकती है? वो भारत माता का ही पार्ट है, भ्रष्ट पार्ट है ये। हाँ, शीतला का श्रेष्ठ पार्ट है, सहनशील रहना ये बहुत बड़ा पार्ट है। सहनशीलता सब गुणों का भंडार है, सब गुणों का राजा है, और ये उसी में आ सकती है जिसमें ज्यादा प्योरिटी होगी। तो दिखाते हैं, हाथ में झाड़ू माने उसमें इतनी समाने की शक्ति है, जैसे कोई बहू होती है घर में आती है तो इतनी उसमें कलाकारी होती है कि कैसी काइयां सास क्यों न हो उसको भी अपनी मुट्ठी में कर लेती है। तो उसको कहेंगे ये कलाकारी है। तो प्रकृति हुई झाड़ू लगाने वाली, वो उसके दाएं हाथ का खेल है, और गधे की सवारी दिखाते हैं। ऐसे तो लक्ष्मी की सवारी किस पर दिखाते हैं? उल्लू के ऊपर। अब उल्लू और गधे में कितना खास फर्क है? उल्लू भी नीचा माना जाता है या ऊंचा माना जाता है? नीचा माना। गधा भी नीचा ही माना जाता है। जो देह अभिमान का बोझ ढोता है उसे गधा कहा जाता है। बाबा ने बोला है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जब बाप आते हैं तो ये सब महामूर्ख बन जाते हैं। तो गधा महामूर्ख होता है या नहीं होता है? है? महामूर्ख होता है। जैसे लक्ष्मी उल्लुओं के ऊपर सवारी करती है, ऐसे शीतला भी इसके ऊपर सवारी करती है, जो गधे मिसल वजन ढोने वाले हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, बड़े बड़े रईस हैं, रईस ज्यादा हैं, लेकिन पेट में दो रोटी जाती है या ज्यादा जाता है? दो रोटी जाती है, बाकी तो सब गधे मिसल वजन ढो रहे हैं ना। तो ऐसे गधों के ऊपर सवारी शीतला की दिखाते हैं। और धर्म कितने हैं जो भगवान से प्राप्ति करते हैं? नौ धर्म हैं। बाकी नास्तिक धर्म नहीं है? है? धर्म है। धर्म है कि अधर्म है? वो तो टोटली 100% अधर्म है। वहां राजाई का नाम निशान नहीं, राजाओं को कत्लेआम करा दिया उनके मुखिया ने। भगवान तो आकर के राजाई स्थापन करते हैं, राजाओं को स्थिरियम करते हैं, राजाओं की बुद्धि स्थिरियम हो जाती है। तो नौ धर्म हैं जो भगवान से कुछ न कुछ अपने अपने प्रकार की धारणा के आधार पर प्राप्ति करते हैं। उनमें आठ हैं पूरे आस्तिक है, तो नंबरवार ही, लेकिन नास्तिकपना नहीं है, साकार को मानते हैं। नौवां है आर्य समाज,
जो साकार को मानता है कि नहीं मानता है, है? अरे देवी देवताओं को आर्य समाज ही मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं तो अर्धनास्तिक हैं। इसलिए नौ देवियां तो हैं, लेकिन आठ देवियां मुख्य मानी जाती हैं। और धर्म भी आठ मुख्य हैं। आर्य समाज तो मठ पंथ में से है, धर्म की जो गिनती है वो सिर्फ सिख धर्म तक है। सिख धर्म तक धारणा करने वाले हैं, उसके बाद तो सब मठ पंथ की कोटि में आते हैं। चाहे कबीर पंथी हो, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे कोई दूसरे पंथी हो, तो जो और पंथ वाले हैं उनकी भी आधारमूर्त देवियां हैं। अष्ट देव हैं तो आठ देवियां भी हैं जो आस्तिक हैं, लेकिन नौ देवियों का गायन है। नौ दुर्गा पूजन कहा जाता है। जब पूजा की बात आती है तो नौ ने कुछ न कुछ पवित्रता को धारण किए है। पूजा का आधार ही है प्योरिटी। और माया पांच विकारों को कहा जाता है और प्रकृति पांच तत्वों को कहा जाता है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। शरीर के जो पांच तत्व हैं उन पर अगर जीत पाली तो शरीर निरोगी बनेगा या रोगी रहेगा? है क्या होगा? निरोगी हो जाएगा। और वो निरोगी तब ही होगा जब आत्मा स्थिरियम हो जाए। आत्मा माने मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। जब तक आत्मा में एकाग्रता की शक्ति नहीं है तब तक पांच तत्व भी उथल पुथल मारते रहेंगे। शरीर के पांच तत्व भी उथल पथल खाते रहेंगे, वो एकाग्र नहीं हो सकते, सात्विक नहीं बन सकते। तो मूल बात आती है प्रैक्टिस की। आत्मा को एकाग्र कैसे करें? अभ्यास से करें। और इस पुरानी दुनिया का वैराग बुद्धि में बार बार लाएं। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब खत्म होने वाला है, सब दुखदाई है। आज सुख दे रहा है कल दुख दे देगा। कोई भी सुखदाई नहीं है अनंत काल तक। सारी दुनिया दुश्मन बनने वाली है, कोई सहयोगी नहीं रहेगा। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ऐसे वैराग बुद्धि में बार बार लाने से बुद्धि कहाँ जावेगी? हैं? एक बाप के पास जावेगी। ये दो ही तरीके हैं माया जीत बनने और प्रकृति जीत बनने के। पहले माया जीत बनेंगे या प्रकृति जीत बनेंगे? हैं? पहले माया जीत बनना है। पांच विकारों के ऊपर जीत पानी है। जब माया जीत बन जाएंगे फिर बाद में प्रकृति जीत बनेंगे, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है। जड़ तो पहले सुधरेगा या चैतन्य पहले सुधरेगा? प्रकृति और माया दोनों के बीच में ज्यादा बुद्धि की होशियारी किसमें है? माया में बुद्धि की होशियारी ज्यादा है। प्रकृति
बोली वाली है, बुद्धि की होशियारी नहीं है। नहीं तो बाबा को ये नहीं कहना पड़ता कि माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। ये माया ने होशियारी की या बोगसपना किया? होशियारी की। ऐसी होशियारी की बात प्रकृति की बुद्धि में नहीं आती। प्रकृति है जगदम्बा का रूप और कुत्ता है कामी इस्लामी और बिल्ली बिलौटा है ईसाई। क्या ज्यादा दूध कौन पीने वाला है? है दूध पीने का शौकीन बिल्ली ज्यादा होती है या कुत्ता होता है? बिल्ली दूध पीने की शौकीन होती है, बहुत दूध पी जाती है। ज्ञान में ज्यादा होशियार क्रिश्चियंस होते हैं या इस्लामी होते हैं? है क्रिश्चियंस ज्ञान में ज्यादा होशियार होते हैं। इतने होशियार होते हैं कि भगवान को पहले पहचान लेते हैं। बाबा ने क्या बोला है? भगवान को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? विदेशी प्रत्यक्ष करेंगे। तो पहचानेंगे तब प्रत्यक्ष करेंगे कि बिना पहचाने प्रत्यक्ष करेंगे? है पहली पहचानते वो है। तो ज्यादा ज्ञान में होशियार कौन हुए? है वो ही विदेशी क्रिश्चियंस। हाँ एक दूसरे के दुश्मन है तो क्या हुआ? तुम्हारा पूछना क्या है? चूहा तुम्हें पता नहीं किसकी सवारी है? हाँ? देहाभिमानी गणेश की सवारी है तो कैसे छोड़ेगी बिल्ली? और हाँ। और आगे जाकर जो मार्शल लॉ लागू होगा तो हद बेहद दोनों में लागू होगा। 76 में इमरजेंसी लागू हुई तो हद में ही लागू हुई थी या बेहद में भी लागू हुई थी? हद में ही जयप्रकाश नारायण गुजरात से उठ खड़े हुए थे एजिटेशन लेकर के, या बेहद में भी जयप्रकाश नारायण उठ खड़े हुए थे? हैं? बेहद में भी हुआ था। बेहद में भी कृष्ण मुरारी देसाई था, हद में भी मुरारजी देसाई थे। हद में भी जनता पार्टी ने, जो जनता पार्टी है अज्ञानता पार्टी नहीं, उसने दिल्ली में सारी सीटें जीत ली थी। बेहद में भी एडवांस पार्टी ने दिल्ली में हो हल्ला मचा दिया। सत्तर अस्सी ज्ञान की आत्माएं निकल आई जमुना की कंठी पर। हाँ तो पूछना क्या था? साथ होगा। बिल्कुल हो, हद में होगा सो बेहद में भी होगा। है बेहद का निर्माण जो नए इसी तरह से हद का भी जो निर्माण है तो माहौल के हिसाब से अभी तो है अभी माहौल के बाद तो हद के निर्माण में जो ज्ञानी तू आत्माएं होंगी वो ज्ञानी तू आत्माओं के ऊपर माया के आक्रमण ज्यादा होंगे या कम होंगे? है ज्यादा होंगे। अच्छा ज्यादा भी होंगे तो ज्ञानी तू आत्माएं ऊंची स्टेज में रहेंगी या नीची स्टेज में रहेंगी? ऊंची स्टेज में रहेंगी। जो ऊंची स्टेज में रहते हैं
उनको नीचे की चीजें छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं, महत्व ही नहीं देते ज्यादा। तो ऐसे ही एक नेपाल देश ही ऐसा है जो मायावी धर्म वाले हैं, उस नेपाल देश के ऊपर आक्रमण नहीं कर सके क्योंकि ऊंची स्टेज वाले हैं। जितना लंबे समय तक राजाओं का राज्य नेपाल भूटान में चलता है, इतना और कहीं नहीं चलता। और कंचन काया बनने के लिए बर्फ में कितना समय तक दबना पड़ेगा? कंचन काया बनने के लिए बर्फ में कितना समय तक दबना पड़ेगा? बर्फ में कितना समय तक दबना पड़ेगा? बिल्कुल न दबो। बर्फ में दबने की बात क्या है? यही मन बुद्धि को जाम कर दो। जैसे ब्रह्मा बाबा मन बुद्धि को जाम कर दिया, उनकी यादगार नाम पड़ गया हिमालय। हिमालय की पुत्री का नाम क्या था? पार्वती। हिमालय राज का नाम हिमालय नहीं क्यों पड़ा? क्योंकि उनकी बुद्धि चलती नहीं थी। ज्ञानजल कैसा था बुद्धि में? जाम था, बर्फ था। तो ऐसी बुद्धि बर्फ बना करके रखे कि संकल्पों का संचरण होने ही ना पाए, एक शिव बाबा की ही याद बनी रहे, तो बर्फ में नहीं दबना पड़ेगा। और है प्रश्न है, माँ लक्ष्मी का तो गायनी है कि जन्म जन्म लगे रहूं कुंवारी, उनमें 100% प्योरिटी होती है, तो फिर सूर्यवंशियों की माँ में कितने परसेंट प्योरिटी होगी? जो तीनों देवियों को उनके सामने झुकना पड़ता है, तीनों देवियां 100% प्योरिटी वाली हैं, तीनों देवताओं के मुकाबले कम परसेंट वाली हैं। जो ज्यादा प्योरिटी वाला होता है वो झुकता है या कम प्योरिटी वाला झुकता है? पवित्र देवताओं के आगे अपवित्र राजाएं माथा टेकते थे। अभी संगम युग में भी ये शूटिंग होती है। तो तीन देवताएं हैं मुख्य, तीन देवताओं को तीन देवियों के सामने माथा टेकना पड़ता है, या तीन देवियां तीन देवताओं के सामने माथा टेकती हैं? क्या होता है? अरे बोलो भाई, है देवताओं को झुकना पड़ता है? भक्ति मार्ग में ऐसा देखा तुमने कहीं? देवताओं के आगे है? क्या बोल रहे देवताओं के आगे? आप नहीं, वो नहीं बोलने दो। हाँ, बाबा ने, बाबा ने आगे किया, वो तो अभी की बात, हम भक्ति मार्ग की बात कर रहे। भक्ति मार्ग में जो भी दिखाया गया है शास्त्रों में या जो भी मंदिरों में दिखाया गया है, उसमें हमने क्या देखा? देवियां देवताओं के सामने झुकती हैं या देवताएं देवियों के सामने झुकते हैं? क्यों? किसमें प्योरिटी ज्यादा है, किसमें प्योरिटी कम है? हैं? देवताओं में प्योरिटी इसलिए ज्यादा है कि जो एवर प्योर है वो उन देवताओं में प्रवेश करता है। क्या? देवियों में प्रवेश नहीं करता है। तो इसमें जो लिखा हुआ है लिखने वाले ने कि लहा लक्ष्मी का तो गायन है, जन्म जन्म लग रहा हूं कुंवारी, उसमें 100% प्योरिटी है,
तो ये बात सही है या गलत है? 100% प्योरिटी तीनों देवियों में है या नहीं है? हैं? नहीं है। 100% प्योरिटी तो सिर्फ एक पार्ट में है, जिसे कहते हैं देव देव महादेव। उसके मुकाबले बाकी दो देवताओं में तो परसेंटेज में कहेंगे, और देवियों में तो और भी परसेंटेज में कहेंगे। जबकि अत्री और अनुसुईया, उसके सामने तो तीन देव भी जाकर के झुक गए, वो भी माता मान करके उसके पांव छूते हैं। तो तीन देवियां तो बहुत पीछे रह गई परसेंटेज में। और यहाँ अभी नहीं निकलता है, है? अभी भी पृथ्वी पर 24 घंटे सारी पृथ्वी पर सूरज उगता ही रहता है, सारी पृथ्वी पर कहीं न कहीं सूरज उगता ही रहता है। हाँ, अभी भी ऐसे हैं प्रदेश, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जहाँ 6 महीने लगातार सूरज चमकता रहता है। 6000 साल की नहीं बताया, 6000 साल नहीं, 2500 साल। हाँ, तो बाबा चित्र में तो अंधेरा दिखाया हुआ है वहाँ पे। कहाँ कहाँ? लक्ष्मी जी चित्र के नीचे जो राधा कृष्ण का चित्र है। हाँ, वहाँ पे ज्यादा, जैसे उत्तरी ध्रुव होता है ना, तो उत्तरी ध्रुव में पृथ्वी का झुरी ऐसे झुकी हुई है, ऐसी झुरी झुकी हुई धुरी वाली पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऐसे घूमती है, ऐसी ही झुकी रहेगी और अपनी जगह पर भी घूमती रहती है, समझा? तो थोड़ा समय ऐसा भी होता है कि शाम का झुटपुटा या सवेरे का झुटपुटा मालूम पड़ता है, फिर दिन शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ थोड़ा झुटपुटा दिखाया गया है, अंधेरा नहीं है, सूरज तो देखो है ना। हाँ, तो झुटपुटा है वो, उसको ये नहीं कहेंगे अंधेरा हो गया। और बच्चे रोज 50 गलती करते हैं, तो बच्चे रोज रोज 50 गलती तो करते ही रहते। हाँ, 10-20-50 बोले तो दृष्टि वृत्ति की करप्शन की रोज ही करते होंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि रोज गलती गलती करते जाओ, कोटा में देते जाओ। हाँ, तो ये तो चलता रहेगा, गलती होती है, चलता ही रहेगा। माने सतयुग नहीं आने वाला है? धर्मराज भूल गया, धर्मराज का पार्ट आने वाला है कि नहीं आने वाला है? आने वाला है। ये हिंदुस्तान मार्शल लॉ में सुधरने वाला है या नहीं सुधरने वाला है? हाँ, सुधरेगा। तो ऐसे न कहो, शुभ संकल्प करो। अभी चलता है, अभी चलता है, जब तक अभी, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है फिर छोड़ देती है, चूहा इधर उधर भागता है, देखती है बिल्ली, देखती है देखे कब तक भागता है, मैं जब चाहूंगी छलांग लगा के पकड़ लूंगी। तो ऐसे ही शिव बाबा देखता है, ये देखे कब तक अपनी मनमानी करते हैं। बाबा जो जैसे गलती होती है उसको फिर ऐसे पोता जब देते हैं, जो गलती होती है परसेंटेज कम होती जाती है क्षमा की। जैसे पहली बार पोता मिल दिया तो माफ हो गया, आधा माफ हो जाता है, दूसरी बार पोता मिल दिया तो आधा माफ नहीं होगा, परसेंटेज कम हो जाएगी। ऐसे भक्ति मार्ग में भी होता है, कोई पाप करने वाला हत्या करता है, या मान लो कोई कसाई के घर में हत्या का काम होता है, रोज गाय को काटा जाता है, तो जो बच्चे आकर के जन्म लेते हैं उनके घर में, कसाईयों के घर में,
उनकी बुद्धि में ये रहता है कि गाय काटना पाप है, रहता है नहीं रहता? क्यों? क्योंकि वो जन्म जन्मांतर से वो काम करते चले आए, एक बार पाप किया निग्लेक्ट कर दिया, फिर दूसरी बार पाप किया फिर निग्लेक्ट कर दिया, तो परत मोटी होती जाती है। ऐसे ही जो हम पाप बार बार करते हैं, बार बार माफी मांगते हैं, तो परसेंटेज कम होती जाएगी। ऐसे नहीं कि आधा ही माफ होता रहेगा। और पाँव माने चलन, मोर जो है उसमें पूछ जो है ना देह अभिमान की, वो बड़ी सुंदर पूछ है। माने देह अभिमान की पूछ दुखदाई नहीं है, कोई भी उसकी पूछ को देखेगा तो उसे देखना बार बार पसंद करेगा या हटा लेगा? हैं? बार बार देखना पसंद करेगा। माने वो पूछ ऐसी है देह अभिमान की कि वो देखना ही में अच्छी लगती है, हाथ से पकड़ने सहलाने में तो और ही अच्छी लगती है, संपर्क संसर्ग में आने से और ही अच्छी लगती है। पूछ तो बड़ी अच्छी है, अनुभव करने वाले अनुभव करते हैं कि ये दुखदाई पूछ नहीं है। क्या मोर की पूछ और दूसरे जानवरों की पूछ के मुकाबले दुखदाई नहीं है? नहीं तो सांप की पूछ तो बड़ी दुखदाई होती है, अगर चारों तरफ से लिपट जाए तो जकड़ के रख देती है। मोर की पूछ ऐसी नहीं है। इसलिए कृष्ण को जो योगी राज कहा जाता है, तो उनके ताज में मोर की पूंछ लगाई जाती है। कौन सा ताज है वो? भक्ति मार्ग में तो जड़ ताज समझते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में कौन सा ताज है? प्योरिटी का ताज है। वो प्योरिटी के ताज में ऐसी पूंछ है, ऐसे नहीं देह अभिमान है नहीं। संगम युग में जो संगम युगी कृष्ण का पार्ट बजाने वाला है उसमें देह अभिमान है नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। पुरुषार्थी जीवन है तो देहभान कुछ न कुछ है जरूर, लेकिन और दुनिया वालों के मुकाबले देह अभिमान इतना कम है कि अनुभव करने वालों को ना के समान लगता है। तो सुखदाई पूछ हुई या दुखदाई हुई? है दुखदाई पूछ नहीं हुई, सुखदाई हुई। तो पूछ तो बड़ी अच्छी है, और डांस करता है तो और बढ़िया दिखाई पड़ती है। क्या भागेगा दौड़ेगा चलेगा तो उतनी अच्छी नहीं, लेकिन जिस समय डांस करेगा वो डांस कौन सा है? ज्ञान डांस। तो ज्ञान डांस जब करेगा तब तो बहुत ही लहराती हुई अच्छी, एकदम झूमने लगते हैं देखने वाले। ऐसी देह अभिमानी की पूछ है। वो देह अभिमानी की पूछ कृष्ण के ताज में लगाई जाती है। ताज है प्योरिटी की जिम्मेवारी का ताज। प्योरिटी को 100% जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ पहले पहले कौन करेगा? अरे पुरुषार्थी तो सभी हैं, लेकिन पहला पहला पुरुषार्थी कौन निकलेगा? अरे दुनिया में कोई निकलेगा कि नहीं? कौन निकलेगा? हैं? संगमयुगी कृष्ण निकलेगा। तो वो संगमयुगी कृष्ण है, दूसरों की नजर में भी अपनी नजर में भी जानता है कि ये देह अभिमानी पूछ दुखदाई नहीं है दुनिया के मुकाबले, लेकिन जब अपनी चलन देखता है तो चलन व्यभिचारी है। क्या चलन? अब व्यभिचारी नहीं कही जा सकती। अब उसे कृष्ण कहो चाहे राम कहो, बात तो एक ही है। पर्सनालिटी एक है या अलग अलग है?
पर्सनालिटी तो एक ही है। तो जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। बाबा तो कहते हैं बाप अगर विदेशी बनकर ना आया होता तो तुम बच्चों से मिल भी ना पाता। तो विदेशी मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं या भारतवासी मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं? फिर भगवान का पाठ जो श्री कृष्ण का पाठ कहा गया भक्ति मार्ग में, या राम का पाठ कहा गया, या पाठधारी पर्सनालिटी वाला कहा गया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम पाठ है या मर्यादाहीनता का पाठ है? क्या है? अरे मर्यादा है, राम की तो मर्यादा प्रसिद्ध है, एक सीता में संग का रंग लगेगा, दूसरों में संग का रंग नहीं लगेगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम वर्तमान संगम युग में श्री कृष्ण पाठधारी को या राम पाठधारी को कहें या सीता को कहें? हैं? सीता कहो राधा कहो उसको तो कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन राम वाली आत्मा को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। अब ये हिसाब लगा लो, सत्ययुग में 9 जन्म, वर्तमान जन्म पुरुष का, त्रेता में जाकर के 10वां जन्म होगा। तो जब 10वां जन्म होगा तो वो स्त्री का जन्म होगा या पुरुष का जन्म होगा? 10 जन्म होंगे कि नहीं? 10वां जन्म जाकर के त्रेता में पहला पड़ेगा। अभी जो पहला जन्म है वो पहला जन्म पुरुष का है, दूसरा जन्म स्त्री, फिर पुरुष, फिर स्त्री, फिर पुरुष, फिर स्त्री, फिर पुरुष, फिर स्त्री, फिर पुरुष, फिर त्रेता में पहला जन्म काय का हो जाएगा? स्त्री का हो जाए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम कौन हुआ? सीता वाली आत्मा हुई या राम वाली आत्मा हुई? सीता वाली आत्मा हुई। तो इसलिए चाल टेढ़ी है, अगर चाल टेढ़ी न हो तो सब धर्म की आत्माओं को गॉड फादर का अनुभव नहीं हो सकता। दूसरे दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट हुए पड़े हैं वो कन्वर्ट होने वाले बाप से कैसे मिलेंगे? मिलेंगे नहीं, तो सत्ययुग में कैसे आवेंगे, पावन कैसे बनेंगे? इसलिए मोर अपने पांव को देखकर माने चलन को देखकर के रोता है, ससुरी चलन सुधरती नहीं, रोता है, और पूछ को देख करके प्रसन्न होता है। और भक्ति मार्ग में पैर में रंग क्यों लगाते हैं? भक्ति मार्ग में पैर में लाल रंग क्यों लगाते हैं? भक्ति मार्ग में पैर में क्या लगाते हैं? माहुर। वो औरतें लगाती हैं, आदमी लगाते हैं? है? है? वो तो शादी में लगाते हैं। ये बुद्ध रूपी पांव है, ये क्या है? बुद्ध रूपी पांव कहते हैं ना। हमारे गुरुजी की बुद्धि जहां पहुंची हुई है वहां तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचेगी। तो बुद्धि से भी पहुंचा जाता है, बुद्धि की पहुंच भी होती है, ये स्थूल पांव की ही पहुंच नहीं होती है, बुद्धि की भी पहुंच होती है। तो बुद्धि की मिसाल जो है वो पांव से दी जाती है। तो जब शादी करते हैं तो बुद्धि रंगीली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हैं? अरे रंगीली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हैं? रंगीली होनी चाहिए। तो रंग देते हैं पांव को, स्त्री के पांव ज्यादा रंगते हैं और पुरुष के पांव थोड़े कम रंगते हैं, लेकिन रंगते जरूर हैं। हाँ हाँ वो लाल रंग, लाल रंग क्या करता है? खूनी क्रांति लाता है। और बाबा
सीढ़ी का चित्र क्यों टेढ़ा मेढ़ा दिखाया है? सीढ़ी का चित्र क्यों टेढ़ा मेढ़ा दिखाया गया है, सीधा क्यों नहीं दिखाया? सीढ़ी का चित्र टेढ़ा मेढ़ा इसलिए दिखाया जाता है कि एक तरह की प्रधानता नहीं रहती है, कभी सतो प्रधान, कभी सतो प्रधान, कभी सतो सामान्य, कभी रजो प्रधान, कभी तमो प्रधान, ये प्रधानता बदलती रहती है, सदा एक सा समय नहीं रहता है। भारतवासियों के जीवन में तो बहुत उतार चढ़ाव आता है, इसलिए ये सीढ़ी का चित्र खास भारतवासियों के लिए है, दूसरे धर्म वालों के लिए नहीं है। और बाबा संगम में तीन नदियाँ दिखाई जाती है, संगम में तीन नदियाँ होती है, गंगा यमुना सरस्वती, तीनों नदियों का जल क्यों इकट्ठा नहीं होता? तीनों नदियों का जल इकट्ठा नहीं होता क्यों? इलाहाबाद में तीनों नदियों का जल इकट्ठा नहीं होता? बाबा अलग अलग होते हैं ना, एक साथ रहकर भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग कैसे? इलाहाबाद के बाद तो दोनों नदियों का जल इकट्ठा हो जाता है, इलाहाबाद में जब मिलती हैं तब दिखाई पड़ता है कि ये सफेद जल है, ये काला जल है, काली मिट्टी वाला, फिर आगे बढ़ती हैं तो एक ही हो जाता है, ये अलग अलग रहता है, एक ही हो जाता है। अब इलाहाबाद में क्यों मिलती है? गंगा को जो है कि कानपुर से निकलती हुई दिखाई गया है, बताया गया है, और मिलन जो है कि इलाहाबाद में, तो बाबा का वेद में वेद में अर्थ ये है कि अल्लाह जो है वो शीशा है, सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा शीशा कौन है? हैं? भगवान है बड़े से बड़ा शीशा, मधुबन भी है शीश महल, शीशे के महल हैं, चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं, कोई अपने को छुपाना चाहे तो छुपा नहीं सकता, क्या क्या होगा? जितना छुपाना चाहेगा, असली चेहरा बाहर आए, नकली सूरज छुपी रहे, उल्टा भी हो जाता है, सीधा भी हो जाता है, अंदर बाहर छुप के नहीं रह सकता, ऐसे ही हो जाता है। और सबसे बड़ा है शीशा, सबसे बड़ा आरसी है बाप, तो ये अल्लाहाबाद है। अल्लाहाबाद में कौन सी काली नदी है और कौन सी गोरी नदी है? कौन सी नदी ऐसी है जो अपने में चिपकाए लेती है सबको, जो कनेक्शन में आएगा उससे चिपक के रह जाएगी, और कोई नदी ऐसी है गंगा कि डिटैच रहने वाली है, कोई भी कनेक्शन में आएगा, जैसे माँ के कनेक्शन में बच्चा आता है तो मोह के कारण अटैच हो जाता है, गंगा किसी से अटैच नहीं होती, उसकी मिट्टी अटैच होने वाली देह अभिमानी की मिट्टी नहीं है। इसलिए इलाहाबाद में दोनों नदियों का जल भले इकट्ठा होता है तो भी दोनों नदियां अलग अलग दिखाई पड़ती है, महाकाली की भुजाएं भी इकट्ठी होंगी और गौरी की भुजाएं भी इकट्ठी होंगी, दोनों छिपके नहीं रह सकती, दोनों का चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा। और बाबा है, जब हम आत्मा की स्मृति में नहीं रहते हैं तो खराब आत्मा प्रवेश कर जाती है, ठीक है, तो पता कैसे चलता है? तो पता नहीं चलता कि हम देहभान में है कि आत्मा अभिमान में थे, बाद में तो पता चल जाता है कि हम देहभान में थे या आत्मा अभिमान में थे, बिंदी याद थी या नहीं थी, स्टार याद था या नहीं याद था, हाँ तो पता तो चलता है कि हम देहभान में थे तो आत्मा ने प्रवेश कर लिया। निकलेगी तो जब वो एक बार आकुपाई कर लेती है तो सहज थोड़ा ही निकलती है, दबोच लिया तो दबोच लिया, आप स्त्री बन गए वो पुरुष बन गया, पुरुष जब स्त्री को एक बार दबोच लेता है तो स्त्री तो अबला हो जाती है, आधीन हो जाती है, तो याद से तो निकल, हाँ?
याद करने से। अब जब एक बार मौका दे दिया तो वो तो बार बार प्रयास करेगा कि एक बार लड़के लड़ाई लड़के छोड़ देगा। बाबा जैसे हमेशा आपकी स्मृति तो जैसे अभी हम बच्चों की बंदी पा रही है परमानेंट 24 घंटे। सबकी ऐसी स्टेज थोड़ा ही है, कोई ऐसे भी तो हैं जिनकी घड़ी घड़ी आत्म की स्टेज बनती है। आप अपने से सबको कैसे टैली कर सकते हैं? अगर सबकी एक जैसी स्टेज हो फिर तो एक वाला एक मुख वाला मणका, दो मुख वाला मणका, जो रुद्राक्ष के मणके एक और अनेक मुख वाले दिखाए जाते हैं वो यादगार क्यों बनी हुई है? फिर आपने स्मृति की प्रैक्टिस करके वो जान ही सकते ऐसा। किसने मना किया? करो, वो हर समय तो प्रवेश होके रहती नहीं है। जिस समय देखो हल्कापन है उस समय प्रैक्टिस को ज्यादा बढ़ा दो। और बाबा ने बोला है मेहनत में नौ ग्रह आपस में टकराएंगे तो एक ही ग्रह बचेगा जो बृहस्पति या बृहस्पति, तो क्या हद में भी वही हद में भी बृहस्पति ग्रह बचेगा विनाश का? बृहस्पति माने क्या? बड़ा। और पति माने क्या है? है? हाँ तो बड़े से बड़ा स्वामी, बड़े से बड़ा रक्षक कौन है? है? शिव बाबा जिसकी रक्षा करेगा, शिव बाबा जिसमें प्रवेश होगा मुकर्रर रूप से, तो वो सबसे टकराने में कमजोर पड़ेगा। जिसमें ज्यादा ज्ञान होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, जिसमें कम ज्ञान होगा वो कम पावरफुल होगा। बाबा जो हद में नौ ग्रह आपस में टकराएंगे हैं, हद में भी टकराएंगे? हाँ हद में भी टकराएंगे। तो उसमें कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह होगा। बृहस्पति रहेगा पावरफुल। और परछाई का रंग काला होता है तो सत्युग में परछाई का रंग कैसा होगा? बेहद में इसका क्या अर्थ है? सूरज है, चांद है, पृथ्वी है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है तो एक की दूसरे के ऊपर परछाई पड़ती कि नहीं है? परछाया पड़ता है। तो परछाया का मतलब क्या हुआ? परछाया का बेहद में अर्थ हुआ किसी के प्रभाव में आ जाना। वहां आत्मिक स्थिति में सब रहेंगे या कोई ऐसा भी होगा जो आत्मिक स्थिति में नहीं रहेगा? है? सब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो परछाया पड़ेगा। वहां तो किसी का परछाया किसी के ऊपर पड़ ही नहीं सकता। वहां जैसी स्वतंत्रता तो कहीं होगी ही नहीं दुनिया में। यहां एक दूसरे के परछावे में आ जाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं। जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है वो कन्या माताओं के परछावे में आ जाता है। कन्या माताएं रूपी धरणी है पृथ्वी, उनके परछावे में आ जाता है। तो लोग समझते हैं कि चंद्रग्रहण हो गया, ऐसे ही बीच में चंद्रमा, एक तरफ पृथ्वी वाले और दूसरी तरफ सूर्य। तब जब बीच में चंद्रमा होगा तो पृथ्वी वासियों को देखने में आएगा कि चंद्रमा की परछाई किस पे पड़ रही है? सूर्य पे। तो सूर्य पे क्या परछाई पड़ती है? है? सूर्य तो आग का गोला है, उसके ऊपर परछाई पड़ने का सवाल ही नहीं, लेकिन दिखाई क्या देता है देखने वालों को? अरे सूर्य का हिस्सा अंधेरा दिखाई देता है या उजेला दिखाई देता है? है? सूर्य अंधेरा दिखाई देता है। तो बुद्धू कौन है?
देखने वाले बुद्धू है, यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे घड़ी घड़ी संशय आता है। सूर्य को विकारों ने ग्रहण कर लिया, सूर्य को विकारों का ग्रहण लगता है। अरे भगवान जब मुकर्रर रूप से कंट्रोल कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, मुकर्रर रथ है, तो उसे विकारों का ग्रहण कैसे लग सकता है? तो ये बेहद के परछावे की बात है। बाबा ये कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति में रहना और संकल्प दान दोनों एक ही बात। आत्मिक स्थिति जब हमें सिर्फ आत्मा की ही याद है, स्टार ही याद है, तो दूसरा संकल्प है नहीं। बस अगला कुछ कर्म करना है, अगला कुछ संकल्प कर्म करना हो, क्या कर्म करना हो, इसे इंद्रियों से कुछ काम करना हो। हाँ, इसे बाबा बोलते हैं कि कर्म करते हुए याद। अरे मिसाल तो दे दिया, महबूब अपनी महबूबा की याद में जा रहा है, सारा रास्ता क्रॉस कर गया कारखाने तक। उसे पूछा गया तुम्हारे आंखों के सामने से कौन कौन गुजर गया, वो कहता हमें कोई याद नहीं था। तुम हमारे सच्चे दोस्त हो, मैं सच्चाई से बता रहा हूँ, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा, मुझे तो वो ही दिखाई पड़ी। आंखें खुली थी, रास्ता देखता गया, क्यों नहीं दिखाई पड़ा है? मन बुद्धि जो थी वो महबूबा की याद में थी। तो ऐसे ही हम भी प्रैक्टिस करें। क्या हम क्या प्रैक्टिस करें? वो हमारा साजन है, हम सजनी है, हम महबूबा हैं, वो हमारा महबूब है। ऐसी याद में रहने की प्रैक्टिस करें कि सिवाय उसके और कुछ भी दिखाई न पड़े। तो ऐसी ज्योति बिंदु की याद में रहेंगे अपन को आत्मा समझते हुए, तो सिद्धि हो जाएगी। शिव बाबा उल्लू को दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? इसका ज्ञान में बेहद में क्या अर्थ है? अरे दुनिया के जो बड़े बड़े साहूकार लोग हैं, वो साहूकार लोग उल्लू हैं ज्ञान की दृष्टि से या होशियार हैं? उल्लू हैं। उनके ऊपर लक्ष्मी की सवारी दिखाई गई। सूर्य निकल रहा है, सन 76 से सूर्योदय हो रहा है, उन उल्लुओं को दिखाई नहीं दे रहा? तो ये बेहद की बात हुई, ये हद की बात है। बेहद का ज्ञान सूर्य है, बेहद का दिन है, बेहद में दिखाई देने की बात है। बाबा ने कहा है कि रुद्रमाला के मण के साकार इसने ही नहीं है। ये कौन सी मुरली में कहा है? रुद्रमाला के सारे मणके एक जैसे हैं क्या है? कोई साकार इसने ही ज्यादा है, कोई साकार इसने ही कम है, कोई निराकार इसने ही ज्यादा है, कोई निराकार इसने ही कम है। क्योंकि दूसरे दूसरे जो धर्म के होंगे, दूसरे दूसरे धर्म के बीज होंगे, दूसरे दूसरे धर्म का जिन पर छिलका चढ़ा हुआ होगा, जन्म जन्मांतर का स्वभाव संस्कार वाला, तो वो साकार इसने ही होंगे या निराकार इसने ही होंगे है? निराकार इसने ही होंगे। ऐसे जो निराकार इसने ही होंगे उनकी तादाद ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रुद्रमाला के सब मण के निराकार इसने ही हो, साकार इसने ही न हो, ऐसे हो सकता है? हैं? अरे जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे
वो साकार स्नेही होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो बाबा ने तो यही बताया है, साकार में किसको देखो? निराकार को देखो। तो ये बात तो गलत है कि बाबा ने कहा है कि रुद्रमाला के मन के साकार स्नेही नहीं है, ऐसी बात बुद्धि में नहीं रखना है। हाँ ये बोला है कि रुद्रमाला के मणके आपस में दिल से मिले हुए नहीं है। क्या आपस में दिल से एक दूसरे का दिल मिलता नहीं है, मजबूरी से मिले हुए हैं। मजबूरी से मिले होने के कारण आपस में दिल खोल करके बातें करेंगे? नहीं करेंगे। जनता पार्टी का भी ऐसे ही है, अटल बिहारी वाजपेयी ने तो घोषणा ही कर दी कि जनता पार्टी वाले जो हैं वो आपस में मिलकर के दिल से एक दूसरे से बात ही नहीं करते, संवादहीनता की भारी कमी है। साथ रहते भी हैं फिर भी दिल खोल करके बात नहीं करते है? हाँ, एक दूसरे से दुखी रहते हैं। जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं ना, तो राजाएं हिंदुस्तान के आपस में लड़ते रहे हैं कि प्यार से रहे हैं? लड़ते रहे। क्या बद्रीनाथ में? बद्रीनाथ में क्या? बद्रीनाथ में 6 महीने तक बद्रीनाथ मंदिर में दीपक जलाते हैं और 6 महीने बाद जब फाटक खोलते तो दीपक जलता ही रहता है, इसका बेहद का क्या? ज्यादा जान दिया होगा तो क्या नहीं बात होगी? अरे वहाँ तो बर्फ छा जाती है ना बद्रीनाथ में, जो मकान है वो सारे बर्फ से ढक जाते हैं, दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, 6 महीने का सारा खाना पीना अंदर ही लेकर के बैठते हैं। तो आत्मा रूपी दीपक बुझ जाते हैं कि जगते रहते हैं, वो भी जिंदा रहते हैं। तो स्थूल दीपक में अगर घी डाल देंगे, तेल डाल देंगे ज्यादा, तो जल नहीं सकता। जब तक अंदर अंदर ऑक्सीजन रहेगा वो दीपक जलेगा। महाभारत में परीक्षित का बेटा जन्मेजय है, परीक्षित का बेटा जन्मेजय था। उसका बेटा है कौन है जन्मेजय? परीक्षित जो है वो कौन है? जन्मेजय। अरे पहले परीक्षित तो समझेंगे, परीक्षित कौन है? परीक्षित माने क्या है? है जिसकी परीक्षा हो गई हो। परीक्षित की परीक्षा हो गई कि नहीं? उसे बताया गया कि 7 दिन में मौत हो जाएगी, तो 7 दिन लगातार बुद्धि एकाग्र रही या नहीं रही? रही, तो परीक्षा तो हो गई, तो वो असली परीक्षित हो गया। जो परीक्षित है उसकी रचना भी कैसी होगी? है जन्म भाई जन्म जीतने वाला होगा या हारने वाला होगा? है जीतने वाला होगा। तो एक था चाणक्य, एक था चंद्रगुप्त, रचयिता कौन था? चाणक्य रचयिता, चंद्रगुप्त रचना था। तो चंद्रगुप्त जीतने वाला है जन्म जन्मांतर या हारने वाला है? है जीतने वाला है। और मनुष्य मर के कभी जिंदा कैसे हो जाते हैं? मनुष्य मर के कभी कभी जिंदा कैसे हो जाते? मनुष्य मर के जिंदा कैसे हो जाते? सब मनुष्य मर के जिंदा हो जाते। हाँ कभी कभी माने 1000 में से 1,000,000 में से कोई एक आदमी का ऐसा होता है कि मर गया, डॉक्टर ने कह दिया मर गया, लेकिन डॉक्टर जो है वो सब नबज की पहचान जानते हैं क्या? है
नमज शरीर में एक जगह चलती है कि सैकड़ों जगह चलती है, तो आत्मा कहीं छुप जाती है, पता नहीं चलता। वो छुपी हुई गुप्त होने वाली आत्मा फिर प्रकट हो जाती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मर गया। बाबा, युगल जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो देवी देवता बनेंगे, और जो विधवा हैं, विदुर हैं, उनके पुरुषार्थ का क्या हाल होगा? तो विधवा विदुर का ही क्यों बुद्धि में आया, कुमारों का क्यों नहीं बुद्धि में आया? कुमार कुमारियों का क्या हाल होगा? है? नहीं, पूछने वाले की बुद्धि में ये नहीं बैठा है कि यहाँ के युगल वहां युगल नहीं रहेंगे। क्या? जो जो यहाँ के युगल हैं वो वहां युगल बन करके नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे। और एक जन्म के लिए नहीं, कितने जन्म के लिए बदल जाएंगे? 21 जन्म के लिए बदल जाएंगे। इसलिए ये गलत प्रश्न सामने आ गया। बाकी ऐसे नहीं है कि जो विधवा हैं, विदुर हैं, या जिनकी पत्नी साथ नहीं देती है, बिल्कुल ज्ञान में चलती ही नहीं है, या जिनका पति बिल्कुल ज्ञान में चलता ही नहीं है, तो सत्युग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कोई दूसरा बनेगा उनके साथ युगल, इसकी क्या चिंता? हाँ, समान पुरुषार्थी होगा, सो साथी बनेगा। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों में जिसकी समानता होगी वो साथी बन जाएगा। क्या लिखा है? ज्ञान रत्न धारण करने के लिए बुद्ध रूपी पात्र बड़ा कैसे बनाए? लो, ये बात ही अभी तक बुद्धि में नहीं आई। बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, है ना, उन्हें कुछ याद रहता है? हैं? अभी अभी ढेर सारी मुरली सुना दो, अभी अभी हमें कुछ नहीं याद रहता। बाल बच्चों में सारी बुद्धि घिस जाती है, तो उसका तरीका बताया कि अंत में जो ऐसी आत्माएं जिनको अभी कुछ भी याद नहीं रहता, पुरुषार्थ करते करते अंत में ऐसी स्टेज भी आवेगी कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों में गैलप कर जावेंगे। वो कौन सा आधार होगा? याद। और याद बांधेलियों में और बूढ़ियों में ज्यादा याद हो सकती है या कम हो सकती है? ज्यादा हो सकती है। जितना जितना बिंदु रूप स्टेज में टिकेंगे, आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, उतना उतना बुद्ध रूपी पात्र बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होता जाएगा।